एक बार महर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि वही भगवान श्रीहरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। महर्षि नारद अपनी इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। राधे कृष्ण भाई जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और कैसे हो भाई जी? बस राधे कृष्ण की कृपा है। महर्षि नारद राधे कृष्ण नाम सुनकर चकित रह गए। वो और थोड़ा आगे बढ़े तो भक्तों की एक टोली राधे कृष्ण के नाम का जाप करती हुई जा रही थी। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। पृथ्वी लोक पर हरेक व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम ले रहा है। ये बात बहुत ही चकित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूं, भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। मैं तो दिन रात उन्हीं के नाम का गुणगान करता रहता हूं। इसके बावजूद भी उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की बजाय आखिर क्यों पृथ्वी लोक के इंसान राधा नाम को जोड़ रहे हैं? पृथ्वी लोक पर राधा नाम को कृष्ण के साथ सुनकर महर्षि नारद सोच में पड़ गए और वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए। परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अस्वस्थ हैं तथा वो सिर के दर्द से कराह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर महर्षि नारद का दिल दुखी हो उठा। नारायण नारायण, प्रभु आप तो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, आप मुझे तुरंत बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी इस पीड़ा को दूर कर सकता हूँ। यदि इसके लिए मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो भी मैं इसमें तनिक भी देरी नहीं करूंगा। नहीं महर्षि नारद, आपको इस दर्द के लिए अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है। नारायण नारायण, बताइए प्रभु क्या उपाय है? यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धुला हुआ जल मुझे पिला दे तो उस जल को पीकर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण, प्रभु तो मेरे परमात्मा है, इस जगत के पालक भगवान श्री कृष्ण को भला मैं कैसे अपने पैरों का धुला जल पिला सकता हूँ? मुझे ये कार्य करके घोर नरक की प्राप्ति होगी और ये पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। प्रभु मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। हे नारद, यदि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाइए, शायद वो इस दर्द को दूर करने में मेरी सहायता करें। महर्षि नारद सबसे पहले भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देवर्षि नारद, ये आप मुझे कैसा घोर अपराध करने की सलाह दे रहे हैं? मेरे चरणों का धुला जल मैं स्वामी को नहीं पिला सकती, मुझे घोर पाप लगेगा, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए मना कर दिया। महारानी सत्यभामा के पास जाता हूँ। प्रणाम महारानी सत्यभामा। आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, महारानी सत्यभामा, प्रभु श्री कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा है। उनकी आज्ञा है यदि कोई अपने चरणों का धुला जल उन्हें पीने को दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। देवर्षि नारद, यदि महारानी रुक्मणी ये पाप अपने सिर नहीं ले सकती तो भला मैं कैसे ये कार्य कर सकती हूँ? ये पाप है, मुझे क्षमा कीजिए देवर्षि। महर्षि नारद इसके बाद श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पास गए, पर उन्होंने भी ये पाप करने से मना कर दिया। तब हार कर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। नारायण नारायण, प्रभु इस पाप को अपने सिर कोई भी नहीं लेगा, अब मैं क्या करूं? नारद, बस एक आखिरी बार राधा के पास जाइए और मेरा ये हाल बताकर मदद मांगिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर नारद जी कृष्ण की प्रेयसी राधा के पास जाते हैं और राधा के पास जाकर
वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाते हैं। नारायण नारायण, देवी राधा अब आप ही कुछ कर सकती हैं। कोई भी उन्हें अपने चरणों का जल देकर ये घोर पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। महर्षि नारद, क्या प्रभु कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है जबकि उपाय सामने है? राधा ने बगैर कुछ सोचे समझे और बिना विचार किए एक जल से भरा पात्र लिया तथा उसमें अपने दोनों चरणों को धो दिया। राधा रानी अपने पैरों से धुले हुए उस जल के पात्र को महर्षि नारद को पकड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे इस कार्य के लिए मुझे घोर नरक प्राप्त हो सकता है, परंतु मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं अनेकों नरक की यातना सहने और झेलने को तैयार हूँ। आप जल्दी से ये जल प्रभु को पिला दीजिए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मेरा मन भी अशांत रहेगा। आप धन्य हो देवी राधा। नारद मुनि शीघ्र ही जल का पात्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, पर वो हैरान हो जाते हैं। नारायण नारायण, आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर मुझे ज्ञात हो गया है कि ये भी आपकी रचाई कोई लीला ही थी प्रभु। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम अमर है, इसलिए पृथ्वी लोक के सभी वासी राधे कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। जय राधे कृष्ण, प्रभु आपकी जय हो। इसके बाद महर्षि नारद ने भी अपनी वीणा पकड़ी और वो भी श्री राधे कृष्ण नाम का गुणगान करने लगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा लगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मधुमंगल, तुमने सबको बोल दिया था ना प्रातः यहाँ यमुना नदी के किनारे मिलने के लिए? अभी तक ये सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, श्रीदामा, सुदामा और बाकी सब सखा आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए ये सब? कितनी देर से यमुना किनारे इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने तो कल रात ही सुदामा को बोल दिया था कि वो सब सखाओं को बता दे कि तुमने आज प्रातः सबको यहाँ एकत्रित होने को कहा है, फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये लो, वो आ रहे हैं सब। इतनी देर क्यों लगा दी तुम सबने आने में? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सबको एकत्रित करने में समय लग गया, क्या हुआ तुमने हम सबको यहाँ एक साथ इतनी सुबह सुबह एकत्रित होने के लिए क्यों बुलाया कान्हा? बात ही कुछ ऐसी है सुदामा। क्या बात है कान्हा, रोजाना तो तुम हमें दोपहर के समय एकत्रित करते हो पर आज सुबह सुबह ही। मेरा तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण है होली। होली? हाँ होली, कल होली का त्योहार है और हम सबने अभी तक गोपियों को रंगने की कोई तैयारी नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो गोपियां भी हमें होली पर रंगने की कोई विशेष युक्ति बना रही हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कान्हा कि गोपियां होली के उत्सव पर हमें रंगने की कोई योजना बना रही हैं? इस बात का प्रमाण हमें कल ही मिल गया था जब मैं मधुमंगल के साथ कल बरसाना गया था। मधुमंगल, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बरसाने में आकर राधा से मिले बिना गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कुछ देर राधा से भेंट करके नंदगांव वापस चलते हैं। फिर तुम्हें राधा से मिलकर इस बात का क्या प्रमाण मिला? जब हम राधा के घर पहुँचे हम द्वार के भीतर जाने ही वाले थे कि तभी हमें वहाँ गोपियों की हंसी सुनाई दी। राधा, तुम्हारी योजना तो बहुत बढ़िया है, बस अब तुम देखती जाओ हम सब मिलकर इस बार होली में कान्हा के साथ साथ उसके सभी सखाओं की टोली को कैसे चकमा देते हैं। धीरे बोलो सखियों, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने। कान्हा, तुम यूं अचानक बरसाना में? यहाँ किसी कार्य के प्रयोजन से आए थे, सोचा तुमसे और सभी गोपियों से मिलता जाऊं। वैसे किस विषय में वार्तालाप हो रहा था? वो तो हम यूं ही सभी सखियां बतिया रहे थे। अच्छा राधा, हम चलते हैं। बस हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई युक्ति बना रही हैं, पर क्या युक्ति है वही नहीं जान पाए। तुम चिंता मत करो कान्हा, संध्या के समय गोपियां माखन बेचने जाएंगी तो इसी मार्ग से ही ना हम उनसे बातों ही बातों में युक्ति जान लेंगे। सुदामा बिल्कुल ठीक कह रहा है कान्हा, शाम को गोपियां रोजाना ऐसे ही हमें चिढ़ाते हुए मार्ग से माखन लेकर गुजर जाती हैं। हमें कुछ तो सोचना ही होगा। मुझे पता है कि मुझे इन गोपियों को कैसे सबक सिखाना है, आने दो इन्हें। शाम के समय गोपियां माखन की मटकी लेकर मथुरा बेचने के लिए जा रही थी, तभी मार्ग में कृष्ण और उनके सखा गोपियों का रास्ता रोक लेते हैं।
अच्छा तो माखन बेचने जा रही हो? माखन बेचने तो तुम जा रही हो, पर इस मार्ग से गुजरने के लिए मार्ग दान क्या मिलेगा? एरी सहेलियों, मैं सारी बात समझ गई हूँ। ये कान्हा और इसके सखा हमारा मार्ग बीच में क्यों रोक रहे हैं? इन सब को माखन चाहिए, और जब तक हम इन्हें माखन नहीं देंगे, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कान्हा, ये गोपियाँ तो बड़ी समझदार हैं, हमारे बिना कहे ही हमारे मन की इच्छा को समझ गई। माखन तो हम खा लेंगे, पर ये माखन का लालच देकर हमें बातों में न उलझाओ। वैसे इस बार होली के उत्सव की क्या तैयारियां हैं? हम इस बार तुम सब गोपियों को खूब रंगेंगे। तुम सबने भी तो कोई योजना बनाई ही होगी। ये तो तुम्हें बरसाने आकर ही पता चलेगा। हम सब तुम्हें होली पर बरसाना आने का निमंत्रण देती हैं। अगर तुम हमारा मार्ग ना भी रोकते तो भी हम तुम्हें होली पर बरसाना बुलाने का निमंत्रण देने आ ही रहे थे। और राधा ने तो खास कर तुम सब के लिए इस बार की होली पर बहुत तैयारियां की हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की हैं? जरा हम भी तो सुने। तुमने हम सब गोपियों को बुद्धू समझ कर रखा है, जो तुमने कहा और हम सारी बात तुम्हें बता देंगी। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। हम भी तुम सबसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं, और राधा को बोल दो हम होली खेलने बरसाना जरूर आएंगे। कान्हा, मुझे तो शंका हो रही है, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये गोपियाँ हमें इतने प्रेम से माखन खाने को नहीं देती। सुदामा, अगर गोपियाँ शेर है तो हमारा कान्हा भी सवा शेर है, और कान्हा के साथ होते हुए हम सब गोपों को घबराने की क्या जरूरत? हास परिहास के बीच गोपियाँ माखन खिलाकर कृष्ण और गोपों को बरसाने आकर होली खेलने का आमंत्रण देती हैं। सब सखा घबरा रहे थे, पर उन्हें विश्वास था जब कृष्ण उनके साथ हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं। अब कृष्ण तो ठहरे लीलाधारी श्री बांके बिहारी, वो भला राधा और गोपियों से कहाँ डरने वाले थे। वो भी अपने सभी सखाओं को लेकर होली खेलने पहुँच गए बरसाना, पर वहाँ का नजारा देख कर कान्हा और सभी गोप हैरान रह जाते हैं। वहाँ राधा और उनकी सखियाँ कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? ये हमारे साथ कौन सी होली खेलने वाली है? घबराओ नहीं सुदामा, आज तो होली का त्योहार है, इसलिए राधा और हम सब गोपियाँ आज कान्हा और तुम सब के साथ लठ मार होली खेलने वाली हैं। अच्छा, तो हम भी माखन दूध दही खाकर बड़े हुए हैं, हम भी पिटने वालों में से नहीं। क्यों राधा, हो जाए राधा कृष्ण की होली। उसके पश्चात बरसाने की गोपियों ने कृष्ण के साथी गोपों पर जमकर लठ बरसाए। हंसी खुशी के वातावरण में होली पर हंसी ठिठोली करती गोपियां लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती होली खेल रही थीं। उसके बाद श्री कृष्ण राधा के संग फूलों की होली खेलते हैं। पूरा बरसाना भी होली उत्सव पर होली के रंगों की भांति कृष्ण और राधा के प्रेम के रंग में रंग जाता है।